गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड विभूति के नेक्स्ट पार्ट को लेके आई हूँ। इसका फर्स्ट टॉपिक है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 में तकरा के कुटी जिले में हुआ था। तकरा को याद करने का एक ट्रिक भी है कि ये हॉकी प्लेयर थे और हॉकी में से बार बार टकराते हैं बॉल को, तो इसका गाँव का नाम तकरा याद रख सकते हैं आप। इनका मूल नाम बोलिए चाहे बचपन का नाम बोलिए चाहे रियल नाम बोलिए, वो था बेनन पा। उसके बाद मैंने एक नाम ईश्वर दास में लिखा है। जब इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था तब इसका नाम ईश्वर दास हो गया। इसका उपनाम है जो कि कहा जाने लगा नाम मराम गोमके और मुंडा राज। मराम गोमके का अर्थ होता है महान नेता। और ये जयपाल सिंह जो नाम है, ये जयपाल सिंह खूटी के एक पुरोहित ने इसको नाम दिया था। इनकी शिक्षा संत पॉल हाई स्कूल रांची में हुई थी और इन्होंने एमए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में किया था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि जब संत पॉल हाई स्कूल में ये पढ़ रहे थे तो एक गुरुजी ने इसके गुण को जाना कि नहीं, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है और यह बहुत अपने भारत का नाम रोशन कर सकता है। तो वो गुरु थे केनन केसग्रो। इस कहीं कहीं पे किसी बुक में केसग्रो, किसी बुक में कोसग्रो रखा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम लिख दिए। इन्होंने जब पहचाना इनके गुणों को जयपाल सिंह को और भेज दिए इनको लंदन। उसके बाद एक इनकी सांस्कृतिक गुरु का भी नाम है जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सांस्कृतिक गुरु कौन है, तो वो है सुकरा पाहन। अब इसकी कहानी भारत में शुरू होती है। 1928 में इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो हमारे इंडिया को दिया हॉकी टीम के कप्तान बनकर। और ये हॉकी का जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था, तो वो एम्स्टर्डम में हुआ था और ये नीदरलैंड की राजधानी है, पहले जो हॉलैंड कहलाता था। उसके बाद ये बीकानेर रियासत के मंत्री बने और लेकिन ये चाहते थे भारत को और आगे बढ़ाने। इन्होंने अपने मंत्री पद को छोड़ करके वो 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किया। उसके बाद 1950, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की और इसका मेन था कि पृथक झारखंड की मांग, चाहते थे कि झारखंड भी एक अलग राज्य बन जाए। और जब ये झारखंड पार्टी में थे तो इनका चुनाव था मुर्गाछा। 1952 में लोकसभा के सदस्य चुने गए और वो खूटी जिले से ही। फिर अब इसके विवाह के बारे में भी कुछ जान जाए। इन्होंने दो शादी की थी। पहली शादी तारा मजुमदार से, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी, और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है जहां आरा, ये एक विधवा थी और ये थी कर्नल रोनाल्ड कोर्टेस की वाइफ, और इनसे भी जयपाल सिंह ने शादी किया था। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1970 में ब्रेन हेमरेज के द्वारा हो गई और ये दिल्ली में हो गए। इस तरह से इसके जयपाल सिंह का प्रमुख क्वेश्चन बनता है 1928। इसको हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसके ध्यान ज्यादा दीजिएगा। कभी बन जाता है एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक मिला था, वो कब मिला, 1928 में। एम्स्टर्डम में ओलंपिक पदक के कप्तान कौन थे, वो थे जयपाल सिंह। तो ये किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर उसके बाद इनका आदि महासभा का गठन कब किया, तो 1939 में। फिर झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1950 में। और ये इसके अध्यक्ष भी थे। कभी ये भी पूछा जाता है कि झारखंड पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे जयपाल सिंह। फिर हम आते हैं डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। इसको मैंने पहले भी कल के क्लासेस में बताया था, कौमिल मुल्के के साथ इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को लिखा है और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को भी इन्होंने लिखा। इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ये आलोचक तथा झारखंड के लोक संस्कृति के मर्मज्ञ हैं। लोक साहित्य और संस्कृति और मुंडारी पोइट्री की जो इसने पुस्तक लिखी, ये काफी चर्चित रही और सबसे चर्चित ये और ज्यादा हो गए जब इन्होंने कौमिल बुल्के के साथ हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को लिखा। तो प्रमुख रूप से इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे कि लोक साहित्य संस्कृति या मुंडारी पोइट्री
का पुस्तक किसने लिखा, तो वो है हमारे डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश में डॉक्टर कौमिल गुलके को किसने मदद किया, तो वो है हमारे डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जोएल लकरा। ये भी एक झारखंड की बहुत ही अच्छे विभूति रहे हैं। इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है तो वो थे 1915 के छोटा नागपुर के उन्नति समाज। इनका जन्म कहाँ हुआ, रांची जिले की मुरगू गांव। इसका जन्म मुरगू गांव में, और ये ईसाई धर्म को मानते थे और इसका जनजाति था उरांव। इसकी जो शिक्षा थी मैट्रिक स्नातक बीए बीडी और एमए, मैट्रिक तो इन्होंने रांची से किया, स्नातक कलकत्ता से और बीडी और एमए विदेश जाके किया। मुख्य योगदान इसका था 1915 में छोटा नागपुर की उन्नति समाज की स्थापना किया, और उन्होंने इस ढंग से छोटा नागपुर के उन्नति समाज के द्वारा जनजाति की काफी सेवा की। उसके बाद 1920 ईस्वी में यंग छोटा नागपुर टीम की स्थापना करने का उनका मुख्य कारण था कि वो हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन करना चाहते थे, ये भी प्रमुख योगदान है। और 1963 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। और यहाँ पे एक प्रमुख क्वेश्चन यह भी बनता है कि वो प्रथम आदिवासी थे जिसे पद्मश्री से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1994 में ईस्वी में हो गए। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन इसके प्रमुख बनते हैं कि प्रथम आदिवासी कौन थे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, तो वो थे जोएल लकरा। 1915 और 1920 ये दो प्रमुख है इसके। तो 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना, 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम की स्थापना। नेक्स्ट है भूषण सिंह बोलिए चाहे भूखन सिंह, ये प्लामू के जागीरदार थे। यहाँ पर प्लामू में चेरो वंश का राज चलता था और ये चेरो वंश में जो है चूड़ामन राजा थे जिस समय भूषण सिंह ने विद्रोह किया था। और चूड़ामन राजा जो थे वो एक अयोग्य राजा थे। अयोग्य राजा क्या थे कि प्रजा उनसे संतुष्ट नहीं थी, वो अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए थे। और अंग्रेजों को जब मालगुजारी या राजस्व देना होता था तो वो जो है यहाँ के प्रजा से राजस्व वसूल करते थे। तो 1800 से 1802 ईस्वी में भूषण सिंह का विद्रोह हुआ और यह विद्रोह लगातार 2 वर्ष तक होते रहा। सरगुजा के जनजाति बोलिए चाहे वहां के लोगों ने इनकी मदद की और यह विद्रोह पलामू से लेकर के सरगुजा तक हुआ। जब पलामू से सरगुजा तक युद्ध पहुंच गया तो ये चूड़ामन राजा इसको दबा ही नहीं पा रहे थे। जब चूड़ामन राजा इसको नहीं दबा पाए तो इन्होंने अंग्रेज से मदद मांगी कि हमको इस विद्रोह को दबाना है। तब अंग्रेज थे उस समय कर्नल जॉन्स ने 2 बटालियन भेजा, एक सरगुजा के लिए एक पलामू के लिए, और दोनों को यहाँ भेज करके इस विद्रोह को दबाया और भूषण सिंह को गिरफ्तार किया और उसे फांसी की सजा दी गई। मुख्य रूप से यहाँ प्रश्न बनते हैं कि भूषण सिंह ने विद्रोह कब किया, तो 1800 से 1802 ईस्वी तक। उसे और किसने मदद किया था, तो उसे सरगुजा के जनजाति या वहां के लोगों ने मदद किया था। और जिस समय भूषण सिंह ने विद्रोह किया था उस समय अंग्रेज कौन थे, तो थे कर्नल जॉन्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अशोक भगत में बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहिए, इन्होंने इधर ही पद्मश्री आवाज से सम्मानित किया गया है। ये मुख्य रूप से गुमला जिला के विष्णुपुर प्रखंड के में विकास भारती एक एनजीओ चलाते हैं और इसी एनजीओ के ये सचिव है। इन्होंने जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में काफी सारी कामें की है। जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना, जल को संरक्षण करने के लिए इन्होंने बोरा बांध योजना की जिससे कई ग्रामीणों को यहाँ से काफी लाभ हुआ। इसी के नाम के कारण ये जो है चर्चित हो गए। अशोक भगत को इसे पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इस तरह से अशोक भगत को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था जल प्रबंधन एवं पर्यावरण क्षेत्र के काम के कारण। इस ढंग से मैं इन सारे टॉपिकों को लेकर के आई हूँ जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।